असल डी यूर स्टूडेंट्स होप यू आर ऑल फाइन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ योर इकोनॉमिक्स फॉर क्लास दैट्स इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारा जो पहला चैप्टर है दैट्स इंडियन इकानमी ऑन दू ऑफ इंडिपेंडेंस और जो बेसिक थीम इस चैप्टर का है वो ये है कि आपको थोड़ा सा प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मिले अबाउट द स्टेट ऑफ इंडियन इकानमी ऑन दू ऑफ इंडिपेंडेंस दैट नाइनटीन फोटी सेवन हमारी इकानमी की क्या हालत थी ठीक है ना और ये जो चैप्टर है इट डिस्क्राइब द इंडियन इकानमी एज वी इनहेरिटेड इट फ्राम द ब्रिटिश इन नाइनटीन फोटी सेवनटी क्योंकि इंडिया ने इंडिया साफ्ट इंडिपेंडेंस इन नाइनटीन फोर्टी सेवन एंड वट वाज द पोजिशन वट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ अवर इकानमी एट दैट मोमेंट एट दैट टाइम वी हैव टू डिस्कस इट एंड हेयर एंडर नंबर ऑफ क्वेश्चन अराइज बहुत सारी सवाल पैदा होते हैं इंडियन इकानमी के बारे में क्या ये एक स्टैगनेंट इकानमी थी स्टैगनेंट इकानमी थी वाज इट अटैगनेंट इकानमी वाज इट अ वाइब्रेंट इकानमी वाज इट अ बैकवर्ड इकानमी Or was it a developing developing economy? It is in the backdrop of these questions. It's in the backdrop of these questions that the students are introduced to the subject matter of Indian economic development. is <laughs> <laughs> वट वी हैव टू स्टडी वी हैव टू स्टडी द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर इंडियन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री ऑन द यू ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियाज़ फॉरन ट्रेड कैसा था हमारा डूरिंग ब्रिटिश रूल और जो हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल है ये ब्रिटिश रूल में क्या था कैसा था ये भी हमने डिस्कस करना है इसके अलावा वी हैव आल्सो डिपेशनल स्ट्रक्चर

और बेशक हमारी इकानमी को कि बिग पुश की जरूरत थी इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर सपोर्टेड विद विद्रसिव डेवलपमेंट प्लानिंग टू पुट द इकानमी बैक ऑन द ट्रैक आफ्टर इंडिपेंडेंस ये वो बातें हैं जो हमने डिस्कस करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टू द इंडियन एग्रीकल्चर हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था आप जानते हैं कि तीन सेक्टर्स होते हैं देयर आर थ्री सेक्टर्स इन एन इकॉनमी तीन सेक्टर्स होते हैं प्रॉस्पेरिटी जो पहला होता है इसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं और इस प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है सेकेंडरी सेक्टर इसे हम मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं देन वी हैव द टेरशरी सेक्टर इसे हम सर्विसेज सेक्टर भी कहते हैं ऑल द थ्री सेक्टर्स कंट्रीब्यूट टू दी जीडीपी एंड इकोनॉमी ग्रोथ और जहाँ तक एग्रीकल्चर का ताल्लुक है देखिए जो एग्रीकल्चर है इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होते हैं इट्स नॉट ओनली कन्फाइनड टू एग्रीकल्चर वी अंडरस्टैंडार्मिंग सिर्फ फार्मिंग नहीं है बल्कि हमारे एग्रीकल्चर में क्या आता है फार्मिंग आती है फार्मिंग भी है फिशिंग भी है कॉरिंग भी है यानी कान नहीं करना है ना कानू से मददियात निकालना लॉगिंग है लकड़ी वगैरह निकालना फिर हॉटिकल्चर है कल्चर है एपिकल्चर है, एपी कल्चर है

It is, it is it is it is agriculture and allied activities So, the primary sector because it is primary to all economies. It provides the basic livelihood to all individual citizens and economies. The Dusra sector that is secondary sector. By secondary, we mean the manufacturing sector. It is the sector which is involved in the production of goods and services, mainly through machines. Then we have the tertiary sector, this is the name, the services sector. ये सेक्टर इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं ऑल बैंकिंग है फाइनानस है ट्रांसपोर्टेशन है शिपमेंट है ये जो गूगल वगैरह आपको सर्विस देता e -internet है ई इंटरनेट है इंटरनेट है पोस्टल सर्विसेज है इट आल कॉन्स्ट्यूट आवर सर्विस सेक्टर या टेरशरी सेक्टर ऑल थ्री सेक्टर्स कंट्रीब्यूट इकॉनमी है ना तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है बिफोर गोइंग टू एग्रीकल्चर पोजिशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ऑन देंडेंस इट वॉज ने लुक एट दिस कंसेप्ट ठीक और जहाँ तक हमारे एग्रीकल्चर का ताल्लुक है जब हम आज़ाद हुए नाइनटीन फोर्टी सेवन में हमारा जो एग्रीकल्चर था इसकी तीन बुनियादी खूबियाँ थी वो तीनों खूबियाँ दैट पॉइंटेड टू तो द बैकवर्डनेस ऑफ

इनशाला इन द कमिंग डेज़ वी विल डिस्कस दैट तब तक के लिए टुडे यू हैव टू कीप इन माइंड कि इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947 और जो इकानमी हमसे उन हमने अंग्रेजों से ली ब्रिटिशर्स से ली इट वॉब इट वुल प्रम इसे एक बिग बुश की ज़रूरत थी क्योंकि इट वॉज एक्सप्लाइट डरिंग द कॉलोनियल रूल और ये एक्सप्लाईशे डीप रूटेड था यहाँ पे जिसकी वजह से हमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा इस इकानमी को उस उस ट्रैप से निकालने के लिए और आज भी ये कोशिश जारी है इन द फॉर्म ऑफ प्लानिंग्स एंड सो ऑन तो ये चीज़ें हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे आज के लिए इतना काफ़ी है थैंक यू वेरी मच अ नाइस डे